टीपू सुल्तान जयंती क्यों बंद कर रहे? टीपू सुल्तान जयंती मनाने का टाइम आता है तो आप परमिशन नहीं दिए जा रहे। यह टीपू सुल्तान जयंती बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। हमारा वोट चाहिए, मुस्लिम माइनॉरिटी से वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, सबका चाहिए। गुलबर्गा खमर साहब बोलते थे कि टीपू जयंती पूरे महीने के 30 दिन मनाना है नवंबर के महीने में बोलकर। आज स्ट्राइक करने का मकसद ये है कि आज गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में और आल कास्ट लोग है, इधर कोई पार्टी के नहीं, आल पार्टी के लोग है, इसलिए स्ट्राइक कर रहे हैं कि टीपू सुल्तान जयंती जो है ना बंद किया गया है। हम माने सिद्धरामैया जी को यह पूछना चाहते हैं, सिद्धरामैया जी टीपू सुल्तान जयंती क्यों बंद कर रहे? वो पूछ रहे। और आपको हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं सिद्धरामैया जी से, एक मांग है कि हमारे को यह टीपू सुल्तान जयंती बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए। अगर आने वाले दिनों में परमिशन नहीं दिया तो और हम होराटा करेंगे, क्योंकि एक टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने एक देश के होराटगार हैं। इतने दिन जयंती बनाए, अब क्यों बयान किए? लेकिन आप ओपन करने के लिए जो है ना उसको जारी करो विधानसभा में, पूरा हमारे कर्नाटक में पूरा टीपू सुल्तान बनाने के लिए जो है ना परमिशन देना, बोल के आपसे गुजारिश है हमारे को। यहाँ पर आज गुलबर्गा शहर में तिम्मापुरी सर्कल से मिनी विधानसभा तक जो हम लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं मार्च करते हुए, तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग और बहुत सारे पार्टियों के कार्यकर्ता, जो भी टीपू सुल्तान अभिमानी है, जो भी टीपू सुल्तान से चाहने वाले हैं, हर समाज से, हर संगठन से सब लोग आकर जो है ना इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर ये प्रोटेस्ट करने का कारण यही था कि हज़रत टीपू सुल्तान की जयंती जो 10 नवंबर को मनाई जाती है, 10 नवंबर को जो टीपू सुल्तान जयंती मनाई जाती है, ऑफिशियली डिक्लेयर किए थे कांग्रेस हुकूमत जो सिद्धरामैया साहब, फिर उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट में भी कोई रोक टोक नहीं हुआ। वापस से जब सिद्धरामैया सरकार बैठी है, कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ सिद्धरामैया सरकार, क्योंकि इसको मनाने की परमिशन भी सिद्धरामैया ने ही दिया था, फिर इसको रोकने की परमिशन भी जो है ना सिद्धरामैया ने ही दिए हुए। तो जब तुम्हारी सरकार में बढ़ चढ़ कर तुम जब भी वोट मांगने का टाइम आता है तो टीपू सुल्तान के आप बड़े बड़े टोपी तोप पहनकर तलवार हाथ में पकड़कर जो है ना टीपू सुल्तान की इतनी तारीफें करते हैं, जब टीपू सुल्तान जयंती मनाने का टाइम आता है तो आप टीपू सुल्तान जयंती मनाने की हमको कर्नाटक में परमिशन नहीं दिए जा रहे। आपको किसका प्रेशर है? हर टाइम बोलते हैं कि आप हमको ऊपर से प्रेशर है, कहीं आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्योंकि ऊपर तो बीजेपी बैठी है, हमको पता है मोदी जी बैठे हुए ऊपर, नरेंद्र दत्त मोदी जी जो बैठे हैं, क्या आपको मोदी जी प्रेशर दे रहे हैं क्या कर्नाटक में जयंती मत मनाओ बोलकर? हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं सिद्धरामैया साहब, कांग्रेस हुकूमत में जब फुल बहुमती से आपको 87% के आपको मुस्लिम वोट मिले हैं, तो आप एक मुस्लिम की जयंती मनाने की आप परमिशन तक नहीं दिए जा रहे हैं। और तमाम समाज वाले वही बोल रहे हैं कि हर समाज की एक जयंती हो रही है। यहाँ पर टीपू सुल्तान जो है ना एक मुस्लिम समाज के लीडर नहीं थे, वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे और वर्ल्ड फर्स्ट मिसाइल मैन थे। तो हमारे भारत का नाम बहुत मशहूर करे बोलकर तमाम समाज वाले मिलकर जो है ना इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसको प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये जयंती मनाने की जो है ना ओपन परमिशन दिया जाए। आप ऑफिशियली परमिशन दिए हो लेकिन कहीं भी ऑफिस में जो है ना टीपू सुल्तान की फ़ोटो लगाकर कोई जयंती मना रहे नहीं है। आप भी जो है ना विजिट करते हो, सिद्धरामैया साहब आप भी देखते हैं, तो हम आपसे यही बात की अपील कर रहे हैं कि अगर आप नहीं दे सकते हैं तो खुला बोलिए कि नहीं मैं बीजेपी से मिला हूँ, मेरे को मेरी कुर्सी बचाना है भैया, मैं मुसलमानों का सिर्फ वोट लेना है और मुसलमान पागल है, कभी भी आएंगे मुझे वोट देंगे और मैं मेरी कुर्सी बचा लेकर ही बैठूंगा बोलकर हम इसीलिए हम जयंती बनाने नहीं दे रहे हैं। हम जो है ना पक्के आरएसएस है बोलकर आप अपने आप को ओपन शो करिए सिद्धरामैया सर, और कांग्रेस हुकूमत कहीं ना कहीं जो है ना आरएसएस का जो है ना एक दूसरा भाग है मेरी नज़र में, क्योंकि ये टीपू सुल्तान जयंती मनाने का जो रोक लगाया जा रहा है, आरएसएस से जुड़े हुए बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें से कांग्रेस पार्टी भी जो है ना इसके साथ खड़ी हुई है जो टीपू सुल्तान जयंती मनाने की परमिशन नहीं दे रही है। अगर आप वाकई में अगर टीपू सुल्तान के चाहने वाले हो कांग्रेस वाले, तो आप जो है ना इस साल के महीने में कोई भी डेट बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 तारीख को ही मनाना बोलकर। खमर साहब जो हमारे शेरे कर्नाटक का शेरे डक्कन गुलबर्गा खमर साहब बोलते थे, उन्होंने तो कहा था
कि टीपू जयंती पूरे महीने के 30 दिन मनाना है नवंबर के महीने में बोलकर, अगर आप वाकई में अगर कांग्रेस वाले अगर मुसलमानों से चाहते होंगे, टीपू सुल्तान साहब को अगर चाहते होंगे, उनके नाम पे आप वोट बटरते हो उनकी तलवार लेकर उनकी टोपी लेकर, तो आपको जो है ना अभी भी टाइम है। अभी तो 20 तारीख है, नवंबर का महीना ख़त्म होने के लिए 10 दिन है। आप ओपन जयंती कर बताइए और ओपन जयंती करने की जो है ना परमिशन दीजिए। मैं आपको मालूंगा, आपको मैं मानूंगा कि आप वाकई में जो है ना आप आरएसएस नहीं हो, आप जो है ना कांग्रेस ही हो बोलकर हम भी आपका साथ देंगे उस जयंती में। वजह साहब, 2014 में कांग्रेस ने जब सत्ता संभाली थी, जब जयंती बनाने के लिए परमिशन दिया था, आप खुद सिद्धरामैया साहब ने तलवार पकड़कर मुकुट पहनकर जयंती बनाए, उसके बाद में येडियुरप्पा साहब भी जयंती बनाए, हमारे विजयपुर के यत्नाल साहब भी जयंती बनाए, सब लोग बनाए, अभी क्यों रोक कर रहे हैं? उतने बड़े शख्स जो हमारे स्वतंत्र मिलने का मूल अधिकारी थे, जो उतने बड़े एक शख्स टीपू सुल्तान साहब का जयंती रोका गया है, इसलिए हम आज लोग सब मिलकर यहाँ पर सभी धर्म सभी जात वाले सभी पॉलिटिशियंस मिलके हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को आकर मेमोरेंडम पेश किया है। कल के दिन आने वाले वक्त में हम लोग को परमिशन दिया जाए बोलकर हम लोग विनती करते हैं। अपनी खुर्ची बनाने के लिए, हर एक के सियासत संभालने के लिए कर रहे हैं, ये भी एक सियासत है उनकी जो हमें रोका गए। हमारा वोट चाहिए, मुस्लिम्स माइनॉरिटी से वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, सबका चाहिए। दलितों की जब बात आती है, जब रोका दिया जाता है, दलितों को रोका जाता है और माइनॉरिटी को रोका जाता है, ये सभी लोग को रोकने की वजह से हम लोग आज ये किए हैं। जो सिद्धरामैया साहब वो क्या बोलते हैं, वो जुड़वा बच्चों को मलताई द्रोहा बोलते हैं कन्नड़ा में, वो एक ना किया जाए, सभी को अनुमति दीजिए शांति बनाने के लिए, जयंती बनाने के लिए। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं हर एक प्रशासन से, जो टीपू सुल्तान की जयंती बनाने का हमें परमिशन देना चाहिए। हमारा भी एक हक है, हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी, हमको भी, तमाम मुसलमानों को भी, तमाम दीगर मज़हब के लोगों को भी एक ख्वाहिश है कि हम सब मिलकर एक टीपू जयंती को बनाएंगे करके। आज कांग्रेसों को ये यकीनन शर्म आना चाहिए, ये लोगों को, खास करके गुलबर्गा के कांग्रेसियों को। और ये कर्नाटका के अंदर अब तमाम लोगों को मालूम होगा, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बाद अगर शहर कर्नाटका का लकब दिया गया है वो खमरुल इस्लाम साहब को दिया गया है। ऐसे मौके पर ये लोग पूरी आवाम को लेकर एकदम धूम धड़ाके से उन्हें इस जयंती को बनाने की कोशिश करना, आज हमारे को टीपू सुल्तान की जयंती बनाने के लिए ये गंदी सरकार से हमको भीख मांगना पड़ रहा है। आज ऐसी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। और ये सरकार ये माइनॉरिटी से वादा करी थी कि तुम्हारा रिजर्वेशन वापस से 24 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ऐसी सरकार गद्दी के ऊपर सो गई है। ये सरकार को देखना ज़रूरी है, अगर ये सरकार अगर तख्त पे बैठना भी जानी है तो ये जनता तख्त पे लिटाना भी जानी है।